दिल पे पत्थर रख के देखेंगे तो सही, गालियां भी बहुत देंगे लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग की गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं अफजल खान, आप सभी भाइयों का इंडियन हाई फ्लायर विजन में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाइयों का, आज फिर एक नई टॉपिक मिली, वो भी आप लोगों के जरिए। आज जो टॉपिक मुझे मिली है, आप लोगों के सामने जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये भी हमारे एक बहुत खास है और औरंगाबाद महाराष्ट्र के वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज के जरिए बताया। हालांकि इस चीज़ पे इससे पहले भी एक वीडियो में बातें हुई है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के सामने लाने का, क्योंकि हकीकत में कुछ ऐसे नामचीन व्यक्ति हैं जो इस नाम के चक्कर में लोगों को वाकई में बेवकूफ़ बनाते हैं। आज बात करेंगे उस्तादों की, और बहुत ज़रूरी है। देखिए, उस्ताद तभी बनते हैं जब शागिर्द बनते हैं। अगर किसी के शागिर्द बनेंगे नहीं तो उस्ताद बनेंगे कैसे, और अगर हम किसी को उस्ताद बोलेंगे नहीं तो वो उस्ताद बनेंगे कैसे। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, तजुर्बा है, ख़जाना है, लेकिन आप जब वो चीज़ को हम लोगों को बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, सही तालीम नहीं देंगे, तो आप किस लिए उस्ताद का आपको दर्जा दिया जाएगा और क्यों आपको उस्ताद बोला जाएगा। आप लोग अपनी अहदे को समझ नहीं पा, मतलब उस्ताद जो वर्ड है वो कितना मायने रखता है लाइफ के अंदर, और इसी नाम के आड़ में आप लोग शौकीनों के साथ इतना गलत करते हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये आज की वीडियो हमारे व्यूवर्स के ज़रिए बना रहा हूँ कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पूरी 3 मिनट की 4 मिनट की वॉइस भेजी है कि इस तरीके का काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, माफ़ करें, ऐसे उस्ताद तो कोई बात होना भी नहीं चाहिए और कोई बनाना भी नहीं चाहिए। असल में हो क्या रहा है, उस्ताद को इज्जत इसलिए दी जाती है क्योंकि उस लायक होते हैं, उनके पास अल्लाह ने जो तजुर्बा जो हुनर दिया है उसके जरिए लोग उन्हें पहचानते, जानते, रिस्पेक्ट करते, इज्जत देते, बुलाते, सत्कार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ के मिलने के बाद वो अपना वो अहदा सही तरीके से निभा नहीं पाते, और जो शागिर्द, भाई देखिए, कोई भी नया शौकीन अगर उस्ताद बना रहा है, ये खास करके उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मैं दुकान ओपन किया, अंदर आया, व्हाट्सएप चालू किया और मैंने ये मैसेज देखा और रिसेंटली मैसेज देखा और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में ही, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था लास्ट वीडियो में 3-4 दिन बिजी रहूँगा, क्योंकि आज हमारा मेन चीज़ है, आज प्रोग्राम है मुमरा में हमारी कमेटी का, इंशाल्लाह वो वीडियो भी पूरी आएगी आप लोगों के बीच में। जो भी फंक्शन हुआ, जो भी भाई आएंगे, आप लोगों को फंक्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी वीडियो मिल जाएगी, किस लिए फंक्शन किया गया, क्यों किया गया, ठीक है। तो जो शागिर्द बन रहे हैं भाई, सोच समझ के बनिए, किसी का भी शागिर्द अगर आपको बनना है, क्योंकि एक दौर ऐसा था उस्ताद शागिर्द भी बनाते थे तो बहुत देख के अब समझते थे कि इसके अंदर वो चीज़ है कि नहीं, वो क्वालिटी है कि नहीं कि ये शागिर्द बन सकता है कि नहीं, इसके अंदर वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत वो बड़ों की करता है कि नहीं, बहुत चीज़ देख दाख के करते।
आज के टाइम पे तो शागिर्द बनाना तो एकदम आम हो गया, उस्ताद बनाना तो एकदम आम हो गया। ठीक है, आज की जो टॉपिक है उस्ताद और शागिर्द पे है, और वो इसके लिए है कि जो ये नए शौकीन उस्तादों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको ये नहीं समझ में आता। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अच्छे कबूतर कोई नहीं देता। ठीक है, अब आज के टाइम पे क्या ये देखने को मिल रहा है, अभी जो मुझे पास वॉइस आई है और वॉइस मैंने पूरी सुनी है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ वाकई में मैं भी जानता हूँ समझता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मुंबई में वीडियो बनाया था तो इस चीज़ पे बात हुई थी कि उस्ताद अगर शागिर्द बनाता है तो उस्ताद की पूरी जिम्मेदारी होती है कि शागिर्द का शौक और अच्छा हो, नॉलेज उसको पूरी मिले, सही मिले, जिससे शौक उसको करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि आगे चल के फिर वो भी तो उस्ताद बनेगा, अच्छी तालीम अच्छी तरबियत मिलेगी तो आगे चल के उसको भी वही चीज़ करना है जो आप उसको सिखाएंगे। आप अगर गलत रास्ता बता रहे, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये भी चीज़ मैंने कहा था कि उनके जेरे निगरानी में जो शौक कर रहे थे वो भी वही काम करते हैं, तो जैसा आप सिखाओगे वैसा शागिर्द भी करेगा आगे। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, नए शौकीनों को जो उस्ताद के चक्कर में पड़ रहे हैं, उस्ताद बना रहे, बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि इसमें उनका एक कबूतर बेचने का बिजनेस चलता है। शागिर्द बन रहे, अब वो बेटा ये देख शाम शाम तक उड़ता है, बहुत रेयर कबूतर है ये, तू लेके जा, मैं किसी को देता नहीं, लेकिन तू मेरे कमेटी का है, तू अपना है, तू इसको ले जा, इसकी ब्रीड कर, बहुत कीमती कबूतर है, समझ गए, और इसको पर काट देना और इसके बच्चे निकालना। ये मेरे पास रिसेंटली अभी वॉइस आई है और मैंने सुना और ये वीडियो स्टार्ट कर रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग समझे इस चीज़ को। उस्ताद अगर शौक करने के लिए बिना किसी स्वाद के, बिना किसी पैसे के अगर आपको शौक करा रहे तो जाहिर सी बात है अच्छा शौक कराएंगे, बेहतर कराएंगे, लेकिन अगर पैसा ले रहे हैं, मोटी मोटी रकम आपसे वसूल रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि वो आपका शौक नहीं, आपके जरिए बिजनेस कर रहे हैं। अब वो भाई जो उस्ताद ने उनको कबूतर दिए, पर काट के उन्होंने अंडे बच्चे कराए, अब साल भर के बाद बच्चे वे उड़ा रहे, रिजल्ट जीरो आ रहा है, रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो आपकी उस्तादी किधर है भाई? आपको बेचारे ने उस्ताद बनाया, उस्ताद बोला, उस्ताद का मकाम आप समझ नहीं पा रहे, आप तो चीटिंग कर रहे शौकीनों के साथ। उस्ताद का मर्तबा आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उस्ताद किसे कहा जाता है। अरे आप पैसा भी ले रहे और चीज भी उस लायक नहीं दे रहे लोगों को। ठीक है, और ये वॉइस किसी बच्चे ने नहीं, किसी नादान ने नहीं, बहुत नाम चीन बंदे ने भेजा है, और वाकई में अल्लाह उनको और इज्जत दे और शोहरत दे और नाम दे, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया में बड़ा नाम वो भी है माशाल्लाह, लेकिन अच्छे कामों में, शौक को बढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो में मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो वो कनेक्शन समझ रहे ना, सामने वाला भी समझ जाएगा कि हमारे ऊपर वीडियो बनाई जा रही। वीडियो इसलिए बनाई जाती है और इसलिए लोगों को ये चीज़ बताई जाती है कि लोग जो शौकीन है इस चीज़ से बचे, ऐसे लोगों से बचे कि वो सोचते हैं कि ये हमारे उस्ताद है, ये जो हमें देंगे वो बहुत अच्छी चीज़ देंगे। अच्छी चीज़ बेटा वही देगा जो अच्छी सोच रखता हो, आपके जरिए अपना घर नहीं चला रहा हो, समझ रहे, आपके जरिए अपना घर नहीं चलाता हो, अब आपको कबूतर दे रहे, आपसे अच्छे अच्छे पैसे वसूल रहे,
आपको अगर शौक करना कबूतर उड़ाना है तो उस्ताद कबूतर आपको ला के बेच रहे, ये तो वही हो गया भाई बिजनेस। उस्ताद और शागिद के बीच में भी बिजनेस चालू है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर कर भी रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो ऐसी चीज दो कि शागिर्द खुश हो जाए उड़ाने के बाद, बोले हाँ उस्ताद ने पैसा लिया लेकिन भाई चीज हक्का दिया कि साला नाम हुआ। साल भर रखने के बाद तुमने कहा पर काट के रखो, जोड़े लगाओ, कीमती कबूतर है, नायाब कबूतर है, बच्चे इतना उड़ेंगे उतना उड़ेंगे, बेचारे ने साल भर मेहनत करके बच्चे निकाला उड़ाया जीरो, यानी आपको सिर्फ किसी ने टैग दे दिया उस्ताद का, आपके पास उस्तादी जैसी कोई चीज नहीं। या तो आप लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, शागिर्द बना बना के उनके साथ खेल रहे हो, जितने शागिर्द बनाओगे उतना पैसा कमाओगे। देखिए पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन किस तरीके से कमा रहे हो ये देखना है। आप सही चीज देके पैसा ले रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि सबके घर के हालात किस चीज पे डिपेंड है ये भी देखा जाता है। मैं नहीं बोलूंगा गलत है, लेकिन अगर जिस चीज का आप पैसा ले रहे हो, अगर ये माचिस का मैंने पैसा लिया और माचिस में जब बारूद रहेगा ही नहीं जलाने वाला, तो ये माचिस किस काम की, ये तो जलेगा ही नहीं ना, आप पैसा क्यों ले रहे हो इसी चीज का। आपने जब बोल के दिया ये कबूतर शाम तक उड़ेगा, अच्छा उड़ेगा, बड़ी रेयर ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है, तो उड़ क्यों नहीं रही है? वो जिस काम के लिए आपने दिया दौड़ने के लिए, वो तो दौड़ता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ जोड़ते जाते हैं, शागिर्दों को बटोरते जाते हैं और कबूतर ला ला के इनको देते जाते हैं। लाओ भाई ये झाबा लो 50,000 दो, दो झाबा लो 1,00,000 रुपया दो, ये सिलसिला अब चालू हो गया है। और ये क्यों चालू हुआ है, शायद आप ये ये सेकंड और थर्ड वीडियो में मैंने इस चीज का जिक्र किया, YouTube आने के वजह से हकीकत बोलता हूँ, जो लोग इस चीज़ को गलत बोलते हैं वो कहीं ना कहीं खुद गलत है, इसलिए आज वो यूट्यूबर से जलते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई YouTube आने की वजह से। खुल गया सारा चैप्टर, सारा चैप्टर खुल गया, हजारों यूट्यूबर वीडियो डालते हैं परिंदों से रिलेटेड, नस्लों से रिलेटेड। अब फ्रॉड इतना आसान नहीं हो गया कि किसी के साथ कर लो, इसलिए कहते हैं इन लोग अरे ये काय के शौकीन है, ये तो सिर्फ पैसे कमाते, यूट्यूब पे वीडियो बना के अपना वो धंधा बना दिए। भाई धंधा तो आप लोग कर रहे थे शौक के नाम पे, गंदा। हम लोग तो शौक को बेहतर करने के लिए इस चीज में आए थे, नहीं तो मतलब नहीं है। इससे अच्छा कोई कॉमेडी चैनल, कोई और चीज का चैनल बनाया होता तो अच्छे खासे व्यूज मिलते। आज 2018 आज करीब हो गया होगा, कितना साल, 6-7 साल हो गया होगा यूट्यूब पे आके। इतना साल अगर किसी और चीज पे हम वीडियो बनाते मेहनत करते तो अभी चैनल कहाँ से कहाँ पहुंचा होता। इस फील्ड में हमने देखा है लोगों जिसको तकलीफ हुई है वो इन्हीं लोगों को हुई है, क्योंकि इनके धंधे बंद हो गए, जो लुका छुपी करके लोगों को अपने नाम के जरिए अट्रैक्ट करते थे, अपने आप को लोगों के बीच में, जहाँ 10 लोग बैठते तो मालूम है उस 10 किस्म की बात होती है, फिर वो 10 में से कुछ लोग और दूसरी जगह बैठते तो ऐसे ऐसे वायरल होते अंदर अंदर। तो नए शौकीन उसमें जब सुनते हैं फला के पास बहुत अच्छे गए, कट गए, जबा कर दिया उनको, 300 का 3,000 कर दिया। तो भाई अब वो लोग क्या कर रहे हैं, देखो सामने आ गई बात, शागिर्द बना रहे हैं, शागिर्द बनाने का सिस्टम चालू है,
भाई ये उस्ताद नहीं है, उस्ताद वो है जो अपने शागिर्दों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी तरीके से लोगों के साथ बातचीत करने वाला जैसा तरीका वो सिखाए कि कैसा आप लोगों को एक दूसरे कबूतरबाज के साथ में बैठ के किस तरीके से बातें करना है, किस तरीके से कबूतर के बारे में आपको बताना है। अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाहता है, उसके परिंदों को कुछ परेशानी कुछ दिक्कत है, तो आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। ये उस्ताद का होता है तरीका शागिर्द को सिखाने का, बताने का, समझाने का। अभी आज के टाइम पे तो देखा जा रहा है शागिर्द को बना लिया, कुछ बताते नहीं, बस इलाहाबाद से झाबा मंगाए, ले बिट्टा उड़ा इसको, सब छटवा के कबूतर मंगवाया हूँ। जब छटवा के कबूतर मंगवाए हो तो भाई पूरे की पूरे उड़ने ही चाहिए ना, क्यों नहीं उड़ते, क्यों नहीं नंबर मारते। मेहनत तो शागिर्द को ही करना है, शागिर्द के साथ वालों को ही करना है, तुमको तो करना नहीं है। तुमको तो सिर्फ आखिरी में अगर कहीं दुप्पल में मेहनत किया शागिर्द ने और नंबर मार दिया तो फिर तो डिस्प्ले पे खड़े हो, ये लो हमारी पार्टी ने कप मार दिया। मेहनत तो असल में उसकी होती है जो उसकी छत होती है और जो मेहनत करता है उस जगह पे। और उस्ताद वाकई में भाई हकीकत बोल रहा हूँ, उस्ताद अगर आपको बनाना है तो भाई इंडिया में इतने अच्छे अच्छे माशाल्लाह उस्ताद है जिनके दिलों में कोई लालच नहीं है, ना ही कोई किसी से मतलब फायदा लेने की सोचता है, बस ये ही सोचते हैं कि उनके शागिर्द अच्छे तरीके से शौक करे, अच्छा नाम करे, उस्ताद का नाम करे। क्योंकि देखो शागिर्द अगर अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा लोगों के सामने अपनी नॉलेज शेयर करता है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ साथ उस्ताद का भी नाम होता है, पार्टी का भी नाम होता है, सबका सर फख्र से ऊंचा होता है। लेकिन अगर तालीम अच्छी नहीं दोगे तो वही उस्ताद पलरा झाड़ देता है, बोले ये तो नाकारा है। अच्छा होगा तो तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेंगे, अगर खराब होगा नहीं कर पाया, बहुत बताया इसको, इसके अंदर काबिलियत नहीं। अरे काबिलियत आएगी कैसे जब सिस्टम ही नहीं सही है। शाम तक के बोल के कबूतर बेच रहे हो बेचारे को, और बेचारा पर काट के बच्चे निकाल के उड़ा रहा है, जीरो आ रहा है, तो तुम तो अपना जेब भर रहे हो लेकिन वो बेचारे की तो जेब खाली हो रही है। भाई ये सब लुटेरे हैं, लुटेरे, ये बात को समझ लें आप। उस्ताद बनाना है बहुत सोच समझ के बनाइए। इतने ग्रुप है, इतने बड़े बड़े ग्रुप है, आप जब वो ग्रुपों में रहेंगे, उसमें आवाजें सुनेंगे, वॉइसेस सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा असल में उस्ताद किसे बनाना चाहिए। समझ में आया? ऐसी किसी को भी अपने एरिए में देखें, हाँ बड़ा नामचीन बंदा है, पब्लिक उस्ताद बोलती है, तो आपने समझ लिया वो वाकई में उस्ताद है, शागिर्दी ले ली। अब वो तो बिजनेस आपसे ही करेगा, उसको तो आसान रास्ता आपने दे दिया। अब आपको कबूतर मिले तो फिर आप भी अपने दोस्त यार को, नए शौकीन जो है, क्योंकि नए शौकीन को बड़े नाम वालों के तरफ जाना बहुत पसंद होता है, वो जल्दी से अट्रैक्ट होते वो जगह पे, उनको ये लगता है कि यहाँ से हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी और बहुत अच्छा शौक हमको कराएंगे, और खूबसूरत चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन ये सब छलावा है, धोखा है, समझ रहे? हर खूबसूरत चीज़ ऐश्वर्या नहीं होती, करीना नहीं होती, कैटरीना नहीं होती, समझ में आया? जब मेकअप उतरता है ना तो असलियत पता चल जाती है। ये एक एग्जाम्पल था, सीरियस मत लीजिएगा। तो वाकई में उस्ताद अपने नाम का, अपने अहदे का वो करे, ख्याल करे, जिसलिए हम आप लोगों को उस्ताद कहते हैं। अगर हम कहना बंद कर देंगे जितने शौकीन है कबूतर, तो आपको तो उस्ताद कहने वाला कोई बचेगा ही नहीं। आप बताइए कोई बचेगा? आप लोग आपस में एक दूसरे को बोलोगे, लेकिन
शौकीन बोलने वाले अगर नहीं रहे उस्ताद तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो रिस्पेक्ट अगर मिल रही है तो उसकी कदर करो, उसकी वैल्यूएशन को समझो और शौकीन के शौक को बेहतर करो। मेरे हिसाब से तो उस्ताद को अपने घर की नस्लें, अपने शागिर्दों को ऐसी देनी चाहिए। हमने देखा ऐसे उस्तादों को, और मैंने लास्ट टाइम वीडियो जब बनाई थी किसी शौकीन के छत पे, वहाँ पे उन्होंने शागिर्द ने अपने मुँह से कहा था कि ये जितने कबूतर है इसमें 90-70% कबूतर मेरे उस्ताद के दिए हुए, जिन्होंने एक रुपया नहीं लिया हुआ है। अब वो मोहर खाते हैं, उड़ते हैं, प्लस जोड़े में लगे हुए हैं। और मैं बात किसी और की नहीं कर रहा हूँ, कहीं और की नहीं कर रहा हूँ, मुंबई की कर रहा हूँ। फजलू भाई की छत पे जब मैंने वीडियो बनाया था, उन्होंने क्या कहा था कि उनके उस्ताद उनसे पैसे नहीं लेते, शौक करने के लिए कबूतर ऐसे देते। तो आप उस्ताद का मर्तबा समझिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर वो उनको फ्री में दे रहे तो आप भी दो, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर आप जिस चीज़ का पैसा ले रहे हो वो चीज़ उसको बेहतर दो, अच्छी दो, कि वो अच्छे शौक कर सके। अगर वो पैसा लेके भी आपका शौक कर रहा है, आपके परिंदे रखा है, कीमत दिया है, अगर वो परफॉर्म करता है, रिजल्ट देता है, अच्छा उड़ता है, तो जितना खुश होगा ना उसको गम नहीं होगा कि मैंने पैसे से खरीदा या उस्ताद ने पैसे से दिया, उसको फ़ख्र होगा कि उस्ताद ने मुझसे ऐसी चीज़ दिया कि मेरा दिल खुश हो गया। वो दुनिया भर में चिल्लाते फिरेगा कि मेरे उस्ताद ने मुझे कबूतर दिए। अभी तो दुनिया भर में बताते फिर रहा होगा मेरे उस्ताद ने मेरे को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। तभी तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तभी तो हमारे पास महाराष्ट्र से ये वॉइस आई है। क्यों आई है? क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके का शौकीनों के साथ किया है और कर रहे हो। पैसा लो, क्योंकि हमें भी मालूम है फ्री में कबूतर नहीं आते, फ्री में कोई सामान नहीं आता, हक है आपका लेना, ठीक है। लेकिन जब ले रहे हो तो अपना तजुर्बा, जिस लेवल पे आपको लाया गया है, रखा गया है, उस लेवल के हिसाब से आप वो चीज़ दो उनको, जिस चीज़ के लिए वो आपके साथ जुड़े हैं, आपको उस्ताद बोला गया है, आपने शागिर्द बनाया है, वो चीज़ दो। उसने हाई फ्लायर कबूतर मांगा, तुम 100 पीस कबूतर दे रहे हो। अब बोलते हो रखो अंडे बच्चे निकालो पर काट दो, कीमती कबूतर है। गलत बात। तो मेरे भाइयों, वीडियो ये सब टॉपिक पे जब बनती है तो बड़ी हो जाती है, इसके लिए आप बुरा बिल्कुल भी ना माने। नॉलेज देखिए, हर चीज़ में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कहीं ना कहीं टाइम भी देना पड़ेगा, जैसे कि हम आपके लिए टाइम दे रहे हैं और ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। आप लोगों के शौक को बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया है और कंटिन्यू इस चीज़ पर वीडियो बनाया जा रहा है कि आप लोग बचे, उस्ताद को समझे, ठीक है। कैसे उस्ताद हैं कैसे नहीं है इसके बारे में तहकीकात करें। पहले पूरी तहकीकात होती थी, ये जो शागिर्द बनने आए ये है कैसा असल में, इसका बिहेवियर कैसा है, या ऐसा तो नहीं आगे चल के कुछ सीखने के बाद मुझे ही चैलेंज कर देगा। ये सब भी आपने सुना होगा, उस्ताद को उस्ताद के शागिर्द नहीं कर दिया चैलेंज, उड़ाएंगे आपसे हम कबूतर वन सामने आमने सामने। तो ऐसे भी है, इसके लिए उस्ताद भी शागिर्द पहले सोच समझ के बनाते थे, परख के बनाते थे। तो भाई उस्ताद बनाओ तो सोच समझ के बनाओ, पूरे एतराब का मुआयना कर लो, जायज़ा ले लो कि आसपास का माहौल क्या कहता है उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद फैसला लो कि उस्ताद बनाना किसको है। आप लोग भाई फिर से कहता हूँ, बड़े नाम के चक्कर में बिल्कुल मत भागो, गिर जाओगे, क्योंकि ये आपको उठाने वाले भी नहीं है।
आपको उठाने वाले भी नहीं है, इनको तो सिर्फ आपसे फायदा चाहिए। आप गिर जाओ, पड़ जाओ, चोटी लो जाओ, जख्मी हो जाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको तो सिर्फ आपसे पैसे कमाना है, बिजनेस करना है, शागिर्द बना के। कबूतर उड़े या घंटे से ना उड़े, पैसे आ गए ना, अब तुम्हारे आंख पे तो पट्टी बांध दिए, पर काट दो, उसको तो उड़ाया नहीं आपने। तो ऐसे उस्ताद मत बनाओ। और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से उस्तादों का नाम खराब ना करें, ठीक है। ये मैं उन लोगों के उस पर वीडियो बना रहा हूँ जो लोग इस तरीके का शागिर्दों के साथ काम कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा खासा ले रहे हैं, लेकिन चीज़ उस लायक की नहीं दे रहे। उनका दिल टूट जाता है और कबूतर के शौक से उनको नफरत हो जाती है, और ये नफरत पैदा करने फैलाने वाले इन्हीं लोग हैं, समझ रहे। कि वो शौकीनों को सही तरबियत, सही तालीम और सही शौक करने का मौका नहीं दे रहे, गलत चीज दे रहे और गलत माइंड में ठूस रहे। तो भाई आज की वीडियो यही थी, इसी टॉपिक पे थी। आप लोग उस्ताद बनाए, लेकिन जो सही मायनों में उस्ताद हैं उन्हें ही बनाए। बहुत उस्ताद है भाई वाकई में, और ऐसे ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने सिर्फ शौक को आगे बढ़ाने के लिए अपनी उस्ताद की पगड़ी तक के उतार दी कि मैं अपनी नॉलेज लोगों तक शेयर कर सकूं। डॉक्टर कमाल चचा, ठीक है, बहुत साल पहले मेरी उनसे बात होती थी और कई सारी मैंने वीडियो भी डाली है। ऐसे ऐसे उस्ताद भी हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने शौक को बढ़ाने के लिए अपनी उस्ताद की पगड़ी तक के उतार दी कि शौक हमारे शौकीनों का अच्छा हो, बेहतर हो। क्योंकि उस्ताद की पगड़ी जब सर पे आ जाती है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सिर्फ नॉलेज अपने शागिर्दों को ही शेयर कर सकते हैं, बाकी दूसरे किसी को चलते फिरते शेयर नहीं कर सकते। बंदिश हो जाती है, और इसी बंदिश को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी उस्ताद की पगड़ी हटा दी थी सर से कि वो शौक को आगे ले जा सके। वो थे डॉक्टर कमाल चचा। तो उस्ताद बहुत है भाई, उन्होंने पगड़ी तो उतारी, लेकिन हम लोगों के नज़र में आज भी वो उस्ताद हैं और रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है इस कबूतरबाजी के अंदर, इस शौक के अंदर, इस फील्ड के अंदर। आज जिसको देखो वो उस्ताद बने चले आ रहे हैं, चलते फिरते उस्ताद बन रहे हैं। उस्ताद ऐसी थोड़ी बन जाते भाई, सालों गुजरते इस फील्ड में मेहनत करने के बाद, तजुर्बा हासिल करने के बाद, कुछ नाम कमाने के बाद, तब जाके वो लेवल मिलता है। और आज के टाइम पे तो बस ऐसी हो गया, मिल गया, अब वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। भाई उस्ताद का मर्तबा समझिए। अभी हमने भी उस्ताद बनाया है, आज आप लोगों को ये क्लियर मालूम पड़ जाएगा। आज के दिन जो फंक्शन होगा, वीडियो बनेगी, हमने तो ये कहा था फोन पे कि अगर हम आगे कबूतरबाजी करेंगे या उड़ाएंगे तो इंशाल्लाह अब की बार आपको हम उस्ताद बनाएंगे। ये मेरा वर्ड था। सामने से उस्ताद का क्या रिप्लाई आता है, और मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, उस्ताद फिरोज खान की बात कर रहा हूँ, जिन्हें हम जानते हैं उस्ताद राज साहब के नाम से, ठीक है। वो हमारे उस्ताद है। उन्होंने कहा आप हमारे भाई हो, आपको शागिर्द बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पूछेंगे, जो आपको चाहिए, जानकारी चाहिए, वो हम आपको वैसे ही बता देंगे। तो ये होते उस्ताद, उनको शागिर्दी की ज़रूरत नहीं है, शागिर्दों की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे शौकीनों की ज़रूरत है जो रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे उस्तादों की। अच्छे उस्ताद तभी मिलते हैं जो उस्तादों की कदर नहीं करते ना, मार्केट में उनकी कदर नहीं होती। और उस्ताद भी समझे, आपको इज्जत तभी मिलती है जब आपका किरदार अच्छा हो, लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो,
घमंड और जो भी बोलते हैं ना, अगर अंदर आ जाता है ना तो वो टूटने में टाइम नहीं लगता, फिर धीरे धीरे मार्केट से आपका नाम खत्म हो जाता है। तो नाम को बरकरार रखना है तो काम ऐसा करें कि आपका नाम इतिहास में लोग याद करें, नहीं तो बहुत से लोग तो इतिहास के पन्नों में खो गए। तो हमारे उस्ताद राज साहब मुंबई आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह कल से यहीं पे है मुमरा में। आज मुमरा में फंक्शन भी है, हम लोगों ने माशाल्लाह पूरी FKPGN ग्रुप मुंबई ने फंक्शन मुमरा में रखा है और माशाल्लाह काफ़ी लोग आने वाले, उस पर भी वीडियो बनेगी। उस्ताद बनाए, आज मुझे कितना साल हो गया कबूतरबाजी करते हुए, अब मैंने फैसला किया था उस्ताद बनाने का, लेकिन उस्ताद ने सामने से कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, अफजल तुम हमारे भाई हो, तुमको जो सीखना है जो जानना है वो हम आपको ऐसे ही बताएंगे, आप उड़ाइए कबूतर, ठीक है। और ये साल माशाल्लाह हमने ज़ुबान किसी और को दिया था, इसके लिए हमने कुछ वो नहीं किया, लेकिन कबूतर खड़े थे हमारे, मेहनत तो किए हमने, लेकिन पावर हमारे उस्ताद राज साहब का था, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नीचे दिखा रहा हूँ या किसी को ऊपर, ये शौक है, शौक तभी बेहतर होगा, तभी अच्छा होगा, तभी पावरफुल होगा जब उस्ताद आपके पास पावरफुल रहेगा, अच्छा होगा। खोखला उस्ताद लेके कुछ फायदा नहीं, वो आपको भी खोखला कर देगा, दीमक के तरह चाट लेगा आपकी पूरी इनकम। तो माफी चाहता हूँ किसी भाई को, अगर मेरी वीडियो में कोई भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि एडिटिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, किसी को कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करोगे नए शौकीनों तक जाएगी बात और उन लोगों के तक भी जाएगी जो ये सब चीज़ कर रहे हैं। दिल पे पत्थर रख के देखेंगे तो सही, गालियाँ भी बहुत देंगे लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग की गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लोग तो कमेंट में अच्छी राय देते हैं, अच्छी बात करते हैं, वो एक के कमेंट आने से ये पता चला मार्केट का गंदा कीड़ा यही है जिसका कमेंट आया है, समझ गए। अगर वीडियो में 10-20 कमेंट आए उसमें से 18 कमेंट अगर अच्छे हैं तो 1-2 कमेंट आपको गंदे मिलेंगे, खराब मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो एक गंदे नाली के कीड़े हैं, वो साले वो शौक करना नहीं जानते, वो या तो किसी सेलर से जलेंगे या तो किसी शौकीन से जलेंगे। अभी देखो मैं कितने बार किसी सेलर की वीडियो डालता हूँ तो एक दूसरा बंदा कमेंट मारता है, अरे फला सेलर के पास तो और सस्ते मिलते, ये उनका दलाल आ गया उनकी दलाली करने आ गया। अरे भाई हम तो नहीं देखते यार कि हमारे चैनल का नाम किसी के चैनल पे कमेंट में लिया जाता है कि यार उनके चैनल पे देखिए तो ये कबूतर, हमको टाइम ही नहीं ये सब चीज़ करने का, लेकिन हम देखते भाई दूसरे के चैनल पे बराबर अपने चैनल का प्रमोट करते, यानी उनको भरोसा ही नहीं कि हम वीडियो बना रहे वो चलेगी कि नहीं चलेगी, हमारा चैनल चलेगा। भाई मेहनत करो, मेहनत करो, साफ दिल साफ नियत से करो, ठीक है। दिल में मैल गंदगी रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। उस्ताद बनाओ, अच्छे बनाओ, सच्चे बनाओ, नेक बनाओ और लोगों के सामने उनकी इमेज को देखो समझो तो आपको पता चलेगा असल में उस्ताद होते क्या है। और जब उस्ताद बना लो तो उनकी कदर करो, इज्जत करो। अगर आप उनकी कदर करोगे, इज्जत करोगे, जितना उस्ताद के क्लोज में जाओगे उस्ताद उतना आपको अपने बेटे के मानिंद समझेगा और उतनी बेहतर तरीके से आप उनसे अपनी कबूतरबाजी सीख सकते हैं। उस्ताद पूरा चैप्टर तभी ओपन करते हैं जब उनको लगता है कि ये वाकई में मेरी नॉलेज को आगे ले जाएगा। जैसे बाप बोलता है ना, मेरा बेटा
मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। वैसे उस्ताद भी बोलता है मेरा ये शागिर्द ही मेरी नाम को आगे लेके जाएगा। तो उस तरीके से उस्ताद के साथ भी रहने का, और जिस उस्ताद के साथ आप रहते हो उसकी कदर करोगे, उन्हीं के नाम के सहारे लोग आपको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं कि फला उस्ताद का शागिर्द है। आज उस्ताद ने इन्हें शागिर्द बनाया, कल उस्ताद बनाएगा। अगर आप कदर नहीं करोगे तो आपको किसी दिन लोग नीचे गिराने में भी देर नहीं करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बचिए ऐसे उस्ताद से जो खाली कर दे आपकी तिजोरी, साफ कर दे, ऐसे लोगों से बचिए। अच्छे उस्ताद बनिए, अच्छा शौक करिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।